हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपनी फोटो को कैसे एनिमेटेड फोटो में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि काफ़ी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो कि हम कभी कभार फेसबुक जब सर्फिंग कर रहे होते हैं या फिर स्क्रॉल कर रहे होते हैं इंस्टाग्राम पे, तो हमें काफ़ी ऐसी स्पॉन्सर्ड एड्स दिखती हैं एप्लीकेशंस की, जिसमें हमें ये दिखता है कि हम अपनी फ़ोटो को कार्टूनी फ़ोटो बना सकते हैं, जो कि 3D एनिमेशन वाले कार्टून्स होते हैं। बट जब हम ऐप्स को इंस्टॉल करते हैं तो हमें पता चलता है वो किसी काम की ही नहीं है, क्योंकि वो हमारी फ़ोटो को कन्वर्ट ही नहीं कर पाती, वो नॉर्मल एडिटिंग ऐप्स होती हैं। बट मैं आपको बता दूँ, कुछ ही दिन पहले मैंने फेसबुक पे स्क्रॉल करते हुए एक एप्लीकेशन का स्पॉन्सर्ड ऐड देखा। बट ये वीडियो कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, हम सभी अपनी फ़ोटो को एनिमेटेड फ़ोटो में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो हम अपनी फ़ोटो को कैसे एनिमेटेड 3D फ़ोटो में कन्वर्ट कर सकते हैं, कार्टूनी फ़ोटो में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके लिए एक एप्लीकेशन है, वो है आप वॉयला ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। वॉयला ऐप कि ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ ये बिल्कुल भी प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये जस्ट एक इन्फॉर्मेशन वीडियो है। क्योंकि हर कोई यंगस्टर या फिर कोई भी एज ग्रुप का पर्सन हो, बच्चे हो या बड़े हो, हम सभी चाहते हैं कि अगर हम किसी कार्टून में एनिमेटेड कार्टून होते, कोई कार्टून करेक्टर होते, तो हम कैसे दिखते। तो उस अगर आपके पास भी ऐसी कोई विश है कि आप ऐसा देखना चाहते हैं कि आप कार्टून होते, 3D कार्टून होते, तो आपकी फ़ोटो कैसी लगती, कितने क्यूट लगते, या फिर आपके बेबीज हैं तो उनकी फ़ोटो अगर एनिमेटेड कार्टून में कन्वर्ट कर दी जाए, एक एनिमेटेड कार्टून करेक्टर होते अगर आपके बच्चों के ऊपर बनाया जाए तो वो कैसे लगेंगे, तो उसके लिए आप वॉयला ऐप में अपनी फ़ोटो को कन्वर्ट कर सकते हैं 3D कार्टून में। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि आप कैसे कर सकते हैं, प्रोसेस क्या रहेगा, वो ये रहे। वॉयला ऐप को इंस्टॉल करने के लिए आपको प्ले स्टोर पे जाना है और वहाँ पे वॉयला ऐप वहाँ पे टाइप करना है। वॉयला ऐप की स्पेलिंग रहेगी VOILA। जब आप ये टाइप करेंगे तो सबसे ऊपर ही ये ऑप्शन आ जाएगा, ऐसे इसका जो आइकन रहता है वो इस तरीके से रहता है, तो आप इस पर क्लिक करके इसे इंस्टॉल कर लें अपने फ़ोन में। जब वॉयला ऐप आप इंस्टॉल कर लेंगे तो उसको ओपन करेंगे, तो उसके बाद क्या प्रोसीजर रहेगा मैं आपको बता देती हूँ। वॉयला ऐप ओपन होने के बाद वो एक परमिशन ग्रांट करता है आपसे, जिसमें कि वो आपकी फ़ोन की गैलरी में एक्सेस कर सके, सो दैट कि आप जो फ़ोन की गैलरी में फ़ोटोज़ हैं उन्हें एडिट कर सकें। इस तरीके से ओपन करने के बाद आपके पास काफ़ी सारे एडिटिंग के ऑप्शंस आते हैं, जिसमें 3D कार्टून, 2D कार्टून क्रिएचर्स और ये अलग अलग इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। इनकी और भी ऐप्स हैं, उनके लिए भी इन्होंने ऑप्शन नीचे मेंशन कर रखा है। अगर आप कोई भी इफ़ेक्ट को चूज़ करेंगे तो फिर वो आपसे एक ग्रांट परमिशन मांगेगा, जिस पे आप क्लिक करके उनको परमिशन दे सकते हैं अपनी फ़ोन की गैलरी को एक्सेस करने के लिए। तो इसके बाद जब आप एक्सेस दे देंगे तो वो फ़ोन की गैलरी आपकी ओपन हो जाएगी। आप पर्टिकुलरली किसी फोल्डर के थ्रू भी ऑप्शन ऑप्ट करके कोई भी फ़ोटो चूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ अपनी गैलरी में से भी चूज़ कर सकते हैं। कभी कभार एरर आ सकता है अगर आपका इंटरनेट स्पीड का इश्यू है, अदरवाइज़ अगर इश्यू नहीं है तो आप थोड़ा सा प्रोसेसिंग में से टाइम लगता है, जैसे कि मैंने एक इमेज सेलेक्ट किया उसके बाद प्रोसेसिंग में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। इस तरीके से फिर आपके सामने एक पेज आ जाएगा जिसमें कि आपकी फ़ोटो एडिट होकर 3 ऑप्शंस में आपको दिखेगी। पहली फ़ोटो ओरिजिनल रहती है, अगर आप इसे सेव करने का क्लिक करते हैं बटन तो एक ऐड आपके सामने इस तरीके से आ जाएगी, ऐड को स्किप कर सकते हैं, 3 सेकंड्स के अंदर ये ऐड स्किप हो जाती है। अदरवाइज़ आप इस फ़ोटो का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आप लेना चाहें, अदरवाइज़ आप किसी को शेयर करना चाहते हैं किसी भी अदर सोशल मीडिया साइट पर, तो डायरेक्टली यहाँ से शेयर भी हो सकता है। स्क्रीनशॉट लेंगे तो आपको इनका लोगो जो कि वाटरमार्क रहता है सेव करते वक्त वो नहीं मिलेगा। डायरेक्टली आप सेपरेटली भी तीनों इफ़ेक्ट्स को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, रॉयल्टी 3D, बेबी 3D एंड कार्टून 3D। ये तीनों ही मुझे बहुत ही क्यूट लगते हैं। कुछ ही सेकंड्स में आपकी एक 3D कार्टून की फ़ोटो बन जाती है। इसका प्रीमियम वर्जन भी अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, उसके अलग ही फ़ायदे होंगे, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। विदाउट प्रीमियम लिए भी आप इनकी सुविधाओं को यूज़ कर सकते हैं, इस कार्टून क्रिएचर को मीन्स लाइक अपनी फ़ोटो को कार्टून की 3D कार्टून में बदल सकते हैं। तो हम चूज़ करते हैं अब कोई और ऑप्शन मीन्स लाइक कोई और इफ़ेक्ट, तो देख चेक करते हैं कि इसी और इफ़ेक्ट में फ़ोटो किस तरीके से एडिट होगी। तो फिर से मैंने एक फ़ोटो चूज़ की है जो कि दूसरे इफ़ेक्ट में चूज़ की है, देखते हैं उसमें कैसा लगता है फ़ोटो एडिट होने के बाद। थोड़ा सा टाइम लग रहा है प्रोसेसिंग में, प्रिपेयर होती है फ़ोटो। तो देखें मैंने इस वक्त जैसे कि एडिट हो गई है फ़ोटो, तो ये तीनों ऑप्शन हमारे सामने आ रहे हैं।
देखिए कितनी क्यूट सी लग रही है, डिफरेंट ही एकदम, अलग अलग इफेक्ट्स हैं इनके, आप अपनी फ़ोटो को भी इसमें एडिट कर सकते हैं। दोबारा से मैंने अपनी एक और इमेज लिया है, फिर से एडिट करने की कोशिश की है कि कुछ और इफेक्ट्स भी हैं इनके, तो वो भी आपको ट्राई करके दिखा देते हैं। थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि प्रोसेसिंग होता है इमेज, तो उसके अकॉर्डिंगली। जब मैंने इस ऐप को यूज़ किया था तो मुझे अपनी फ़ोटो देख के बहुत ही हंसी आई थी, तो हो सकता है आप भी अपनी फ़ोटो को एडिट करें और आपको बहुत खुशी हो देख के, थोड़ा सा हंसी भी आती है। देखें मैंने दोबारा एडिट किया तो ये 2D है, रॉयल्टी 2D, बेबी 2D एंड कार्टून 2D इफेक्ट आया है। तो आप इन तीनों का स्क्रीनशॉट अलग से लेके या फिर सेव करके, जैसे भी आप चाहें आप सेव कर सकते हैं फ़ोटो को। अब और भी इफेक्ट्स हैं इसके अंदर, तो उन्हें भी ट्राई कर लेते हैं। फिर से मैंने एक इमेज लिया तो उसे भी ट्राई कर लेते हैं। देखें फिर से मैंने एडिट किया है तो ये एक न्यू इन का इफेक्ट है, उसके अंदर कैसे इफेक्ट होके आई है, फ़ोटो कैसे चेंज होके आई है 3D क्रिएचर्स में या फिर अलग अलग कैरिक्रिएचर, ये इफेक्ट है जिसका नाम था। तो अगर आप इसको सेव करते हैं तो फिर से इस तरीके से एक छोटी सी ऐड आती है, आप इसको किसी भी सोशल मीडिया साइट पर भी शेयर कर सकते हैं, अदरवाइज स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। तो एक और फ़ोटो एडिट करके देख लेते हैं सो दैट कि ईजिली क्लियर हो जाएगा कि फ़ोटो कैसे एडिट करनी है। आप दो लोगों की भी किसी एक फ़ोटो के अंदर फोटो को एडिट कर सकते हैं, बट जो भी फोटो आप एडिट करें उसमें फीचर्स बहुत क्लियरली सामने की तरफ देखते हुए होने चाहिए। अगर आप साइड फेस की फोटो डालेंगे तो वो एडिट नहीं होगी, उसमें एरर आ जाता है। तो इस बार मैंने फोटो चूज की है एक छोटी सी बेबी की, अपनी नीस की, तो चेक करते हैं ये फोटो कैसे एडिट होती है, कैसी लगती है एडिट होने के बाद 3D क्रिएचर में। तो एडिट होने वाली है, सो देखें कितनी क्यूट फोटो आई है, शी लुकिंग सो क्यूट, एकदम प्यारा सा कार्टून करेक्टर लग रही है, एकदम 3D एनिमेशन मूवी का किसी प्यारे से चाइल्ड की, एक बेबी की इमेज सी बन के आई है प्यारी सी। सो इवन अगर आप भी चाहते हैं अपने बेबीज़ की या फिर आपके आसपास किसी भी बेबी, जो भी रिलेटिव्स में बेबीज़ हैं उनकी भी फ़ोटो आप इसी तरीके से एडिट करना चाहते हैं तो आप इस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं अपनी खुद की भी फ़ोटो एडिट करने के लिए। ये कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, जस्ट ये एप्लीकेशन मुझे मिली तो मैंने सोचा क्यों ना सबको बताई जाए, क्योंकि हम सभी कभी ना कभी चाहते हैं कि हम अपनी फ़ोटो को इस तरीके से एडिट करें, क्योंकि हम न्यू आइडियाज़ ढूंढते रहते हैं अपनी फ़ोटो को एडिट करने के लिए। तो ये भी एक आइडिया है जिससे कि हम अपनी फ़ोटो को एडिट कर सकते हैं। ये वीडियो थी वॉयला ऐप के ऊपर, ताकि मैं आप सबको ये बता सकूं कि हम अपनी फ़ोटो को कैसे 3D कार्टून में एनिमेटेड कैरेक्टर्स के अंदर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो टिल देन आप सब अपना ध्यान रखें, बी सेफ गाइज, साइनिंग ऑफ शिभा।